नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, जन्माष्टमी के पावन पर्व की आपको ढेरों शुभकामना। जी हां, आज हम बात करेंगे वैष्णव संप्रदाय के लोगों के विषय में कि वो जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, क्या उदया तिथि की महत्ता है, इसी विषय पर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ ही भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के राशि अनुसार मंत्र भी आपके साथ साझा करने वाले हैं। मित्रों, आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा, दैनिक राशिफल की चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। मित्रों, आज का महामंत्र आपके समक्ष है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपकी व्यापारिक या फिर किसी भी तरीके से आजीविका से संबंधित कोई समस्या है तो वो बिल्कुल खत्म हो सकती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय आप नोट कर लीजिए, सुबह 9 से 10:30 के मध्य। कोई भी महत्वपूर्ण और रुका हुआ कार्य करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के राहु काल से। मित्रों, आज के राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से 3 के मध्य। कोई भी नया कार्य शुरू ना करिएगा वरना नुकसान की संभावना अधिक होगी। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि वैष्णव संप्रदाय की जन्माष्टमी कब है। सबसे पहले तो ये जानते हैं, देखिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में और साथ ही वृषभ लग्न में जन्माष्टमी मनाई जाती है, आप भली भांति जानते हैं। हर साल जन्माष्टमी का त्योहार 2 दिन मनाया जाता है, एक तो गृहस्थ और दूसरा वैष्णव संप्रदाय के लोगों की पूजा अर्चना के लिए रखा जाता है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 को 3:38 पर प्रारंभ हो गई थी और आज शाम 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 तक ये रहने वाली है। तो भाई उदया तिथि को अगर काउंट करें, वैष्णव संप्रदाय के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो सूर्योदय की तिथि होती है उदया तिथि। उदया तिथि के अनुसार ही वैष्णव संप्रदाय जैसे साधु संत और वैष्णव समाज के जो लोग हैं, जो सन्यासी जो लोग हैं, वह 7 सितंबर 2023 को भी भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ होगा, उनकी पूजा अर्चना करने का विधान भी होगा। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि राशि अनुसार भगवान कृष्ण को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे राशि अनुसार मंत्र जाप करने से आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। मेष राशि वाले सभी लोग ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मेष राशि वाले लोगों के आजीविका की समस्या खत्म होगी। वृषभ राशि, ओम यशोदा वत्सलाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। वृषभ राशि वालों की सेहत की बड़ी से बड़ी समस्या इस मंत्र के जाप के प्रभाव से धीरे धीरे खत्म होगी। मिथुन राशि, ओम दया निधाय नमः, ये इतना महत्वपूर्ण मंत्र है मिथुन राशि के लिए। अगर आपने इसका 108 बार मंत्र जाप किया, विधि अनुसार किया, तो आपके रोजगार में वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बात करते हैं कर्क राशि की। ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें, विधि अनुसार जाप करें। आपके परिवार में अकारण होने वाले कलह कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। ओम कमलनाथाय नमः, इस मंत्र का सिंह राशि वाले 108 बार जाप करें।
आपको अकारण आने वाला जो क्रोध, जो छोटी छोटी बातों पर आप चिड़चिड़ा जाते हो, गुस्सा करते हो, वह धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप उस पर नियंत्रण अवश्य ही पाएंगे। कन्या राशि, ओम गोविंदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार कन्या राशि वाले जाप कर लें। भाई अगर आपकी कुंडली का पंचम भाव पीड़ित है, पांचवें भाव के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो संतान की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, इस मंत्र के विलक्षण प्रभाव से आपकी समस्या खत्म होगी। तुला राशि, ओम पार्थ सारथये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, आपका अपना कोई स्वयं का कोई बिजनेस है, छोटा या बड़ा, इस मंत्र के जाप के प्रभाव से आपकी हर समस्या का हल आपको मिल जाएगा। तो जब आप महसूस करें आप किसी समस्या में घिर गए हैं, तो इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। वृश्चिक राशि, ओम मधुरा कृतये नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। जाप करने से आपकी वाद विवाद में विजय निश्चित है। कहीं ना कहीं जब आप महसूस करें आप अकारण वाद विवाद में पड़ गए हैं, तो इस मंत्र का मन ही मन जाप भी आप कर सकते हैं। धनु राशि, ओम जयने नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करने हैं। बड़ा विलक्षण प्रभाव ये मंत्र दिखाता है, आपका हर कार्य विजय की ओर जाता है। अगर आप कोई मुकदमा चल रहा है तो मुकदमे में आपको विजय जरूर मिलेगी। मकर राशि, ओम वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मकर राशि वाले लोग देखेंगे कि उनकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे शांत हो रही हैं। तो अगर आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करें तो इस मंत्र को जरूर जपें। कुंभ राशि, ओम गोपालाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप का इतना विलक्षण प्रभाव आपको दिखेगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मीन राशि, ओम कोटि सूर्य संप्रभाय नमः, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। ओम कोटि सूर्य संप्रभाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपका समाज में सम्मान बढ़ने लगेगा, आपकी हर जगह वाहवाही होगी। तो इस मंत्र का 108 बार विधिवत जाप जरूर करिएगा। मित्रों, अगर आपको आपकी राशि नहीं पता और आप पारिवारिक अकारण कलह कलेश में घिरे रहते हैं, पारिवारिक समस्याओं ने आपको बहुत परेशान कर दिया है, तो एक महा उपाय आपके लिए है, इस उपाय को जरूर करें। भगवान राधा कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पित करें, उनके सामने शुद्ध घी का या फिर तेल का एक दीपक जलाकर पीतल के लोटे में जल भरकर उनके सामने रख दीजिए। वैजंती माला से ओम क्लीम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र को आप नोट करिए। ओम क्लीम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। जाप के बाद लोटे का जल अपने संपूर्ण घर में इसका छिड़काव कर दीजिए, छत पर, कमरे में, सभी जगह इसका छिड़काव करना है। ऐसा अगर आपने आज किया तो आपके पारिवारिक कलह कलेश भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से खत्म। मित्रों, अगर सेहत की समस्या बहुत समय से बनी हुई है, दवाई किया आपने, उपचार किया, कहीं ना कहीं डॉक्टर की सलाह भी आपके काम नहीं आ पा रही, तो क्या करना है? शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए, उस जल का छींटा आप अपने माथे पर दीजिए, उनके सामने गाय के घी का एक दीपक आपको जलाना है। भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को आप पंचमेवा का भोग लगाइए और अपनी अच्छी सेहत की कामना करिए। अच्छी सेहत की प्रार्थना आप भगवान कृष्ण से करिए और यह भोग जो आपने पंचमेवा अर्पित किया था उन्हें जरूरतमंद बच्चों में बांट दीजिए। यह छोटा सा उपाय करने से आपकी सेहत धीरे धीरे सुधरने लगेगी।